झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन सदन में वन अधिकार कानून के संशोधन के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। हो गया, हो गया, आप लोग बैठ जाइए ना। इरफान जी, सरना धर्म कोड लागू करने और वन अधिकार कानून के संशोधन मुद्दे पर सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी दलों ने, खासकर जेएमएम के विधायकों ने, नेता प्रतिपक्ष के साथ विधानसभा के मुख्य द्वार पर और बाद में सदन के भीतर प्रदर्शन किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही जेएमएम के विधायक वन अधिनियम संशोधन को लेकर हंगामा करने लगे और वेल में पहुंच गए। विपक्ष के कार्य स्थगन प्रस्ताव से स्पीकर काफी नाराज भी हो गए। सुन लीजिए, सुनने में भी डांटे आप लोगों को धैर्य नहीं है। उन्होंने कहा कि जब मामला कोर्ट में है तो कार्य स्थगन लाना उचित नहीं है। इस दौरान पक्ष विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। और ये अगर अमेंड हो जाता है अध्यक्ष महोदय, तो 2006 का जो वनाधिकार कानून है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा अध्यक्ष महोदय। इसलिए बहुत ही गंभीर विषय अध्यक्ष महोदय। इनके पास आया है उस ड्राफ्ट पर सरकार की मंशा हम जानना चाहते हैं, जिसमें इस राज्य के आधी आबादी प्रभावित होने जा रही है, लेकिन सरकार मुंह चुराते हुए इस कार्य स्थगन पर दिखी है। इससे अस्पष्ट है सरकार आदिवासी मूलवासी विरोधी, ये सरकार किस तरीके से लगातार इस राज्य के मूलवासी आदिवासियों को हक अधिकारों से बेदखल करने की। नेता प्रतिपक्ष ने जिस तरह से सदन को बाधित किया है वन अधिकार कानून में जो अमेंडमेंट है उसको लेकर के, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि वन संशोधन अधिनियम जो लागू हुआ था वो अभी सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल पर है। कांग्रेस विधायक सुखदेव भगत ने वन अधिकार कानून में संशोधन के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपना पक्ष नहीं रखा है। बीजेपी के मुख्य सचेतक राधाकृष्ण किशोर ने भी आक्रामक तेवर दिखाते हुए विपक्ष से सवाल करते हुए कहा कि सरकार कोर्ट में अपना पक्ष रखे या सदन में। समझता हूं कि कोई भी न्यायपालिका यदि किसी विषय को लेकर सरकार से उसका पक्ष रखने की बात कहता हो तो ये मामला न्यायपालिका के समक्ष आ चुका है, ऐसा हम मानते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार क्या पक्ष रखेगी ये सदन में सरकार नहीं बता सकती, मामला न्यायपालिका और सरकार के बीच। सदन में पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर दिखे और इनमें शब्दों के बान के बीच धार्मिक नारों की भी गूंज सुनाई दी, जो अब तक झारखंड विधानसभा के इतिहास में नहीं हुआ था। मंत्री सीपी सिंह ने जहां सदन में जय श्री राम के नारे लगाए तो वहीं विपक्षी नेता ने जय सरना का नारा बुलंद किया। उधर से लोगों ने कहा कि श्री राम नहीं चलेगा, पोलिस सुरिन ने वहां से सीधे हल्ला करके कहा कि श्री राम नहीं चलेगा। तब इधर से उसके एक प्रतिवाद के रूप में इधर से हमारे सत्ता पक्ष के लोगों ने कुछ नारे लगाए। महत्वपूर्ण विषय पे जिसपे सदन बाधित हुआ है वन अधिकार कानून पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिए जिसमें लाखों आदिवासियों को विस्थापित होने का एक आशंका एप्रिहेंशन है, माननीय सदस्य इस बात को रखा है तो चर्चाएं हो सकती है, विरोधाभास हो सकता है, विचारों की भिन्नता हो सकती है, लेकिन जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम लेके जिसे कहा जाए सदस्यों का उपहास उड़ाया जाए, ये हमारी भारत की जो सनातनी परंपरा है, भारत के जो मूल्य है, उसके विपरीत इनका आचरण। हालांकि हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही पहली पाली में बाधित भी हुई। इसी हंगामे के बीच सदन में 3 विधेयक भी पेश किए गए। दूसरी पाली में झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा संशोधन विधेयक, भवन एवं अन्य सैन्य निर्माण कर्माकर संशोधन विधेयक सदन से पारित हो गया। झारखंड विधानसभा का यह मानसून सत्र 5 दिनों का है, 3 दिन बीत गए हैं, अब 2 दिन बाकी है। देखना है जहां जनता के मुद्दे गूंजने चाहिए वहां तू तू मैं मैं की गूंज है। माननीय सदस्यगण आप लोग बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए। माननीय सदस्यगण बैठ जाइए। हाउस को ना 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 ऐसा नहीं है, नहीं। जनता एक बार फिर माननीयों को चुपचाप देख रही है और परख भी रही है।
विपिन उपाध्याय के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 11 रांची।